हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने टोपोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ चुके थे क्लोज, यहाँ तक हो चुका था। क्लोज सेट की प्रॉपर्टी की थी हमने, कुछ ए सब सेट है बी का, तो डायरेक्ट सेट ऑफ ए कंटेंट होगा डायरेक्ट सेट ऑफ बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट सेट ऑफ ई, देन एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट सेट ऑफ ई माइनस एक्स, और एक यूनियन वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो अब आगे करते हैं। हमने पढ़ा था ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, बट ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं होता, कंटेंड होता है ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। ये हम प्रूव करेंगे, सिंपल सा प्रूफ है। देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। ए अपने यूनियन का सबसेट जाएगा, बी भी अपने यूनियन में जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन भी ए में जाएगा, इंटरसेक्शन बी में जाएगा। तो अभी हमने एक सेकंड प्रॉपर्टी की थी सी टू, ड्राइव अगर ए बी में जाता है तो ड्राइव सेट ऑफ ही ड्राइव सेट बी में जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ड्राइव सेट ऑफ बी। अब ए की सेट दोनों सेट्स में जाता है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड नहीं होती, तो उसके लिए फिर हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल करते हैं, एक एक्स हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है। टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं, फाइ कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे ए और ए बी और डाल देते हैं, बट ये टोपोलॉजी बनना चाहिए, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए भी टोपोलॉजी बनता है। अब एक सेट डिफाइन करते हैं, ए ए को हमने ले लिया सिंगलटन ए और बी को हमने ले लिया सिंगलटन बी। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन नहीं करता इसको, करता है या नहीं करता देखते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, निकालते हैं ड्राइव ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई, फाई। अब बी फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी पीछे, ड्राइव सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाइव, इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो एक साइड तो निकाल दी हमने, चेक करना है ना इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। अब हमें निकालना है ड्राइव सेट ऑफ ए, इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे, और हमें चाहिए ड्राइव सेट ऑफ बी, इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे। अब ये क्या होता है ड्राइव सेट ऑफ ए का मतलब, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, जितने भी ए के लिमिट पॉइंट बनेंगे उनकी कलेक्शन है ड्राइव सेट ऑफ ए। तो हमारा काम है ए के लिमिट पॉइंट निकालना। तो एक्स में तीन मेंबर हैं, तो तीनों के लिए चेक करेंगे कि ए बी सी में से ए का लिमिट पॉइंट कौन बनेगा। तो पहले ए के लिए ही चेक करते, क्या ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो पहले तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताओ क्या थी, कोई भी ई सबसेट था एक्स का, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स को कहेंगे हम लिमिट पॉइंट सेट ई का इफ E इंटरसेक्शन G माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फाइव, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू T सच डैट X बिलोंग्स टू G। टोपोलॉजी के हर एक मेंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी ऐसा ओपन सेट मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम चेक करना चाह रहे हैं, क्या A इस कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है, ये A इस कैपिटल A का। तो ए को कंटेन करने वाले पहले ओपन सेट ढूंढो भाई। तो ए को एक्स भी कंटेन करता है, ये भी कंटेन करता है, ये भी कंटेन करता है, तीनों करते हैं। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये हमें तीनों के लिए चेक करनी पड़ेगी। अब हमें लगता है कि ये इसके लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसी को देख लेते हैं। ई का इंटरसेक्शन लेते हैं ना ओपन सेट के साथ, तो हम ए के साथ लेंगे। अब ए का इंटरसेक्शन इसी के साथ क्या आएगा, ए ही आएगा, उसमें से ए ही माइनस हो जाएगा, तो फाइव बचेगा रिलेशन, नॉन फाइव नहीं आएगा। इसका मतलब एक ओपन सेट ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। क्लियर भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, समझ ना आए तो। अब बी को चेक करते हैं, क्या बी लिमिट पॉइंट बनेगा इसका ए का। तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट ढूंढो, तो बी को कंटेन करने वाले तो भाई दो ही ओपन सेट हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन ए बी, जिसको चेक करना है वो माइनस होगा, बी को चेक कर रहे हैं ना लिमिट पॉइंट, तो बी माइनस होगा। अब ये क्या बचेगा, इनका इंटरसेक्शन ए माइनस बी दिस इक्वल टू ए आया, यानी नॉट इक्वल टू फाइव आया, ठीक है।
लेकिन अभी नहीं बोलेंगे लिमिट पॉइंट है, अभी एक्स के लिए भी तो देखेंगे ना, बी को ये भी कंटेन करता है तो एक्स के लिए तो ट्रू हो ही जाएगा रिजल्ट। एक्स का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ए में से बी जाएगा तो फिर नॉन फाई आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट बन गया भाई बी। ठीक है, सी भी चेक करते हैं बनता है या नहीं बनता। अब सी को कंटेन करने वाला तो भाई ए की ओपन सेट है ये, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो यही आएगा, इसमें से सी जाएगा तो यही आएगा यानी नॉन एम्प्टी, तो सी भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। ओके, सिमिलरली हम कैपिटल बी का लिमिट पॉइंट निकालते हैं। अब ए को चेक करते हैं, ए इसका लिमिट पॉइंट है तो ए को कंटेन करने वाले देखो तीन ओपन सेट है, तो तीनों के लिए सेटिस्फाई करवा, एक्स के लिए छोड़ दो, एक्स के लिए अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं, ए को कंटेन करने वाली ये ओपन सेट है, अब बी का और ए का इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, फाई, फाई में से बी जाएगा तो भाई फाई। ठीक है, तो इसका मतलब बी लिमिट पॉइंट नहीं, ए लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट लिया था ना, लिख के दिखा देती हूँ। बी इंटरसेक्शन ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट हमने ये छोड़ दिया था, इसको चेक करते हैं, ए माइनस क्या करना है ए, तो देखो इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई, फाई माइनस ए क्या आएगा भाई, फाई आएगा, इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनता, ए नहीं बनता। बी के लिए चेक करना एक बार, अब बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से, दो हैं, एक ये एक ये, इससे चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका इंटरसेक्शन हम इसके साथ लेंगे तो क्या आएगा भाई, बी आएगा, और बी में से बी माइनस करना है, क्यों, क्योंकि बी को ही तो चेक करना है ना लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो बी इंटरसेक्शन ए बी माइनस बी क्या आ गया, फाई आ गया, इसका मतलब बी भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना। अब सी के लिए चेक करते हैं, अब सी को कंटेन करने वाला तो एक ही ओपन सेट है एक्स, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ बी आ जाएगा, बी में से सी जाएगा तो भाई बी आ जाएगा यानी नॉट फाई, तो इसका ड्राइव्ड सेट में एक ही मेंबर आया है सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन चेक करना, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी क्या आएगा भाई, सी आएगा, और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, वो तो फाई था, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, ये इसमें कंटेंड है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे दिया हमने कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड टोपोलॉजी टी इक्वल टू फाई एक्स ए बी ए बी, फाइंड द ड्राइव सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने पॉसिबल सबसेट हैं उन सबका ड्राइव सेट निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्स के कितने सबसेट बनेंगे भाई, सिंगलटन ए बनेगा, सिंगलटन बी बनेगा, सिंगलटन सी बनेगा, तीन ए बी बी सी ए सी, तीन ही हो गए छः, एक ही खुद एक्स, सात, तो टोटल सात सबसेट्स हो गए है ना, और एक फाई तो है ही ओबियस, फाई का ड्राइव सेट हमेशा फाई, तो आठ हो गए टोटल सबसेट्स। अब उन सबका हमें ड्राइव सेट निकालना है हर एक सेट का, तो मैं एक दो का निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। टोपोलॉजी ये गिवन है, स्टार्टिंग में मैं ले लेती हूँ सिंगलटन ए। ठीक है, वैसे एग्जांपल में हमने ड्राइव सेट ही तो निकाला था, सेम ही बात है, यहाँ पर भी तो निकाला था है ना, तो सेम प्रोसेस चलेगा। एक बता देती हूँ, ड्राइव सेट ऑफ ए निकालना है यानी हमें चेक करना है ए बी सी तीनों में से इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन से बनेंगे। ठीक है, तो पहले ए को चेक करते हैं, तो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट कितने हैं भाई, एक दो और तीन, तीन है, तो इसी से चेक कर लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ए, माइनस ए जाएगा तो भाई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा ना, फाइव आ गया रिलेशन। अब हम बी को चेक करते हैं, क्या बी इसको लिमिट पॉइंट है, तो बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट देखो सिंगलटन बी है, तो सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन सिंगलटन बी के साथ लेंगे फाई, फाई में से कुछ भी माइनस होगा तो फाई आएगा, नॉन फाई नहीं आएगा, तो बी भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सी को चेक करते हैं, सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक ही है एक्स, अब ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ ए ही आएगा, ए में से सी जाएगा तो ए ही बच जाएगा, इसका मतलब नॉन फाई आ गया, तो ड्राइव सेट ऑफ ए भाई सिंगलटन सी आ गया। क्लियर, ऐसे काम करना है। सिमिलरली तुम अपना ए इसको नाम दे दिया बी, अब सिंगलटन बी दे देंगे, अब इसका हमें ड्राइव सेट निकालना है, तो इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, इसका ड्राइव सेट चेक कर लेते हैं, बी को कंटेन करने पहले चेक करते हैं ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है इस सेट का, ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट फिर से यही है, तो देखो सिंगलटन ले लेते हैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ फाई, फाइव में से कुछ भी जाएगा फाइव यानी ए लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा क्योंकि बी का इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे बी, बी में से बी जाएगा तो फाइव,
ठीक है, सी बन जाएगा, तो इसका भी लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, सी। तो इस तरह से आप लोगों को चेक कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे ए सी ले लिया, इसका चेक कर लेते हैं। तो देखो ए बी ले लेती हूँ पहले, तो ड्राइव सेट ए बी, आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ड्राइव सेट ऑफ ए बी अभी हमने किया था ना, तो ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी, हमने बताया था यूनियन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ए का ड्राइव सेट हम निकाल चुके बी का, तो इसका ड्राइव सेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन, यानी यही आ जाएगा, ठीक है। और अलग से निकालना चाहो तो चेक करो, बाय डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ एक बार, इसका लिमिट पॉइंट निकालना है हमें इसके, तो चेक करते हैं ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो ए को कंटेन करने वाले ओपन सर्कल यही ले लेते हैं पहले, ए बी, ए बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ ए बी आएगा, माइनस नहीं, इससे तो कंडीशन फॉल्स नहीं हुई ना, ये ले लेते हैं ए, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए, ए में से ए जाएगा तो फाइव, तो ए लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। बी की बात करेंगे तो ये ले लेंगे, बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट, इनका इंटरसेक्शन बी, बी में बी जाएगा तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सी के लिए की पॉसिबिलिटी है तो बन जाएगा, ठीक है, तो इसका ड्राइव सेट भी सी बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ना आए तो बता देना। अब ये इसमें कर रखा है एग्जाम्पल कंप्लीट, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, एक्स दे दिया, टी दे दी, फाइंड ऑल द ड्राइव सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ये एक्सरसाइज है, इनके आंसर भी दे रखे हैं, आप क्वेश्चन करके देखना, इजी है, हो जाएगा। अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लोज सेट्स की, डेफिनेशन है, देखो जब हम रियल की बात करते थे, रियल एनालिसिस जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर ओपन की डेफिनेशन दी थी, कभी भी क्लोज्ड की डेफिनेशन पहले नहीं दी, किसी भी सेट को ओपन कब बोलेंगे। फिर जब क्लोज्ड की डेफिनेशन देनी थी तो हमने कहा कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट इज कॉल्ड क्लोज सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, जो टोपोलॉजी का मेंबर है वो ओपन सेट है, वहाँ पर क्या थी रियल में, जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाए वो ओपन सेट्स है, तो सेम ही बात। यहाँ पर हम वो थ्योरम के रूप में प्रूव करते हैं और डेफिनेशन कुछ अलग देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लोज सेट की डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी सबसेट है एक्स का, एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर डेफिनेशन आए एग्जाम में तो आपको अच्छे से लिखने के दिखानी है, लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एफ बी एनी सबसेट्स ऑफ एक्स, देन एफ इज कॉल्ड क्लोज सेट्स इफ एफ सेटिस्फाइज दिस कंडीशंस, ड्राइव सेट ऑफ एफ इज सबसेट्स ऑफ एफ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज सबसेट्स ऑफ एफ, एफ अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, तो हम एफ को बोल देंगे क्लोज सेट्स। आपको याद हो रियल में हमने ये थ्योरम प्रूव की थी, और यहाँ पर ये हमारे पास एज ए डेफिनेशन है जो हमें यूज करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, देखो इजी सी है, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, वेयर एफ इज ए क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, देन देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेंड इन एक्स माइनस एफ। एक बार स्टेटमेंट को समझ के देखो, देखो क्या लिखा है, एफ क्लोज सेट्स दे रखा है, तो सोच लो एक बार, एफ क्लोज्ड है तो कॉम्प्लीमेंट ओपन ही होगा भाई। अब एक्स एफ का मेंबर नहीं है तो एक्स किस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट्स है, और ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, याद करो। तो देखो हर एक पॉइंट का नेबरहुड का मतलब डेफिनेशन लगाओगे तो एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट, और वो खुद इसमें कंटेन होगा, तो एक तरह से वही चीज लिख रखी है ना, लेकिन एज ए थ्योरम अब हमें ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हमें ये दिखाना है कि भाई ऐसा कोई भी देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस रिजल्ट को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन से हम बिल्कुल उल्टा लेके चलते हैं और दिखा देते हैं जो गिवन है ना उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट रॉन्ग प्रूव हो जाता है, तो हम ये बता देते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया, उसकी वजह से गलत रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसा नहीं मान सकते जो उसका उल्टा ही फिर वो ट्रू हो जाएगा, जो लेके चले थे वो नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हैं रिजल्ट, तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम अज्यूम करेंगे लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम ऐसा मान लेते हैं भाई, सपोज डैट देर एग्जिस्ट नो ओपन सेट,
इसने कहा था देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, कोई तो कोई मिलेगा, हमने कहा नहीं भी कोई नहीं मिलेगा, देर एग्जिस्ट नो ओपन सेट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? इसका मतलब एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ थोड़ी सी समझने के लिए। मान लो ये हमारा एक्स है कम्प्लीट, ये हमारा एफ है, एफ के बाहर जो ये बचा, ये क्या बचा भाई, ये एक्स माइनस एफ बचा, ठीक है। तो हमने कहा कोई भी ऐसा एक्स एफ में तो नहीं है, तो एक्स एफ से बाहर है, कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जो एक्स को कंटेन करे, मान लो ये सेट ले लूँ मैं यहाँ पे, और वो कंप्लीट एक्स माइनस एफ में जाए, ऐसा कोई ओपन सेट नहीं है जो कंप्लीट एक्स माइनस एफ में जाए। इसका मतलब वो ओपन सेट पक्का इस टाइप का होगा, जितने भी ओपन सेट हैं सॉरी हमने कहा देर एग्जिस्ट नो ओपन सेट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं है जो इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब एफ के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन फाई पक्का होगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना इंटरसेक्शन में, जी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू फाई। क्यों? यहाँ से, क्योंकि ऐसा ओपन सेट है नहीं जो कॉम्प्लीमेंट में जाए, तो पक्का भी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाता, लेकिन वो एक्स को कंटेन करता है, एक्स को कंटेन करता है, तो उसका इंटरसेक्शन है ना एफ के साथ नॉन फाई हो सकता है, हो सकता है कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। तो सो फॉर ऑल ओपन सेट्स जी विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कोई भी ओपन सेट लेंगे उसके लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब देखो जी इंटरसेक्शन एफ माइनस एक्स, ये क्या आएगा बता सकते हो? देखो ये फाई तो है नहीं, है ना, क्या ये एक्स हो सकता है? इनके इंटरसेक्शन में एक्स आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स तो हमें बताया है एफ का ही मेंबर नहीं है, एफ में नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो कभी भी नहीं आएगा एक्स, तो एक्स इंटरसेक्शन में तो आ नहीं सकता। तो ये जो भी होगा एक्स के अलावा कोई ना कोई मेंबर होगा और उसमें से एक्स जाएगा, तो रिलेशन हमेशा क्या आएगा? नॉन फाई। इसका मतलब एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, ये एफ को इधर लिख लेना, अगर बाय डेफिनेशन में हमें आदत है ना ओपन सेट को इधर लिखने की, तो हम ऐसे लिख लेते हैं एफ इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फाई, यानी एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ में, और भाई एफ तो क्लोज्ड गिवन है ना, तो ड्राइव्ड सेट एफ तो हमेशा एफ में जाएगा ही, तो एक्स कहाँ गया? एफ में गया, बट गिवन क्या है? एक्स तो एफ में नहीं है। इसका मतलब विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर पोजिशन इज रोंग, तो हैंस देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर भी नोट्स में पढ़ लेना, ईजी सा रिजल्ट है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ एफ इज क्लोज सेट्स देन एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट, इसी में बता देती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो कोई क्लोज सेट से तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर ओपन का मतलब ये नहीं दिखाओगे कि भाई ये नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का, हम ये दिखाएंगे ये टोपोलॉजी का मेंबर है। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, अब भाई एफ क्लोज्ड है तो ये ओपन है। ठीक है, सॉरी ओपन तो प्रूव करना है, एफ क्लोज्ड लेके चले हैं बस, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, तो एक्स अगर एफ के कॉम्प्लीमेंट में जाता है तो पक्का एफ में नहीं जाएगा। अभी एक थ्योरम प्रूव करके आए हैं ऊपर, कोई भी मेंबर अगर एफ का नहीं है तो उसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो सिंस एफ इज क्लोज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, नोटेशन जी एक्स से दे दी, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स कंटेन इन एक्स माइनस एफ, ये एक्स माइनस एफ के हर एक मेंबर के लिए ट्रू होगा। क्यों? जो एलिमेंट इसका होगा वो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा तो हम ये थ्योरम लगा देंगे, तो इसके हर एक मेंबर के लिए कंडीशन ट्रू होगी। तो हम यूनियन ले लेते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी x बिलोंग्स टू x माइनस एफ, अब हम यहाँ पे सेट की नोटेशन डालेंगे, यूनियन ले रहे हैं ना, और बिलोंग्स की जगह कंटेनमेंट आएगा, इधर भी यूनियन आएगा, भाई यूनियन चला है x बिलोंग्स टू x माइनस एफ में, तो ये x माइनस एफ ही बन जाएगा। ठीक है, अब ये इधर देखो सिंगलटन x, लेकिन यूनियन वेरी कहाँ कर रहा है? इसके मेंबर्स पे, तो इन सब का यूनियन करेंगे ना, एक एक मेंबर का, इसका एक मेंबर उठाया फिर यूनियन किया, फिर इसका एक मेंबर उठाया फिर यूनियन किया, तो कंप्लीट x माइनस एफ आ जाएगा ये दिस। अब ये सेट इसमें भी जाता है, ये इसमें भी जाता है, दोनों से इक्वालिटी हो जाएगी। अब देखो जी एक्स तो ओपन सेट है, तो टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन याद है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये भी ओपन सेट्स होंगे, ये टोपोलॉजी का मेंबर, तो ये भी टोपोलॉजी का मेंबर, यानी ये भी ओपन सेट, ये ओपन सेट हो गया, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है।
नेक्स्ट देखते इफ एक्स माइनस एफ इज ओपन देन एफ इज क्लोज्ड. सॉरी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. इफ एक्स माइनस एफ इज ओपन देन एफ इज क्लोज्ड. अभी क्या पढ़ा था, एफ इज क्लोज्ड देन एक्स माइनस एफ इज ओपन. और अब नेक्स्ट कोरोलरी पढ़ेंगे, एक्स माइनस एफ इज ओपन देन एफ इज क्लोज, तो उसी का कन्वर्स पार्ट है. तो ये थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, प्रूव डेट एफ इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस एफ इज ओपन. ठीक है, तो इसको भी हम बाई कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे. देखो एफ को हमें प्रूव करना है क्लोज सेट्स लेके चलेंगे. इसका प्रूफ करते हैं, लेट एक्स माइनस एफ इज क्लोज्ड सेट्स. ठीक है, टू प्रूव ओपन सेट, सॉरी एफ इज क्लोज्ड. ठीक है, एक्स माइनस एफ को ओपन सेट लेके चलेंगे, एफ को क्लोज्ड प्रूव करेंगे. तो अभी हमने डेफिनेशन की थी, क्लोज सेट्स क्या होता है, जो अपने ड्राइव्ड सेट्स को कंटेन करता है. इसका मतलब हमें इसके लिए प्रूव करना है ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेंड इन एफ. ठीक है, जो क्लोज्ड की डेफिनेशन थी. तो इसे भी हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करेंगे. तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ डज नॉट कंटेंड इन एफ. मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि वो एक्स बिलोंग नहीं करेगा एफ में. भाई अगर ये सेट इसमें नहीं आ जाता तो इसका मतलब यही हुआ ना, इसका कोई ना कोई मेंबर ऐसा जरूर है जो इसमें नहीं जाएगा. तो x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ f, x डज नॉट बिलोंग्स टू f. अगर x ड्राइव सेट ऑफ f में जाता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट f. ठीक है, x लिमिट पॉइंट है तो पक्का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, f का इंटरसेक्शन ओपन सेट माइनस x हमेशा क्या रहेगा, नॉन फाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी. कोई भी ओपन सेट्स है जो एक्स को कंटेन करता है उसके लिए ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा. तो हम एक्स माइनस एफ एक ओपन सेट लेके चले हैं ना, हम लेके चले थे लेट एक्स माइनस एफ इज एन ओपन सेट. अब यहाँ से हमने बताया था एक्स एफ में नहीं जाता, एफ में नहीं जाता तो एफ के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा. ठीक है, अब ये क्या है, एक ओपन सेट है, किसको कंटेन करता है, एक्स को. ओपन है तो टोपोलॉजी का तो मेंबर मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो इसके लिए भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी एफ इंटरसेक्शन एक्स माइनस एफ माइनस एक्स. वैसे क्या आना चाहिए, बाय डेफिनेशन नॉन फाई आना चाहिए, लेकिन आता क्या है, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई. फाई में से कुछ भी जाएगा तो क्या आएगा, फाई आएगा, लेकिन आना क्या था, नॉन फाई आ रहा है फाई. यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी एफ. बट एक्स तो डी एफ का मेंबर था ना, इसका मतलब हम जो लेके चले थे वो गलत है, यानी अब पोजिशन इज रॉन्ग, हैंस ड्राइव सेट ऑफ कंटेंड इन एफ, हैंस एफ इज क्लोज्ड. ठीक है, तो ये इसका प्रूफ इजी सा है, ये ऐसे हो जाएगा. ये दो लाइन में बता रखा है, सेम चीज़ें हैं. थ्योरम ये भी आ सकती है, ने टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी ए सबसेट एफ इज क्लोज डिफेंड ओनली एक्स माइनस एफ इज ओपन. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. बिल्कुल सिंपल सी एक्जियम है, क्लोज्ड एक्जियम. ठीक है, क्लोज्ड एक्जियम को हम सी वन सी टू से ऐसे दिखाएंगे. तो लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, हमें एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, देन द फैमिली एफ, ये नोटेशन है टोपोलॉजी में, नोटेशन हम थोड़ी ऐसे ही लेते हैं, ऐसे बना रखा है, कैपिटल एफ बोलते हैं इसको ऐसे, वैसे तो स्मॉल ही दिख रहा है, और इसके मेंबर ऐसे चूज करेंगे, एफ बिलोंग्स टू दिस फैमिली, ये फैमिली है. इसमें क्या है, इस फैमिली में ऑल क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स टी हमें टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और एक कलेक्शन दे रखी है क्लोज सेट्स की. देन प्रूव करना है कि ये दो एक्जियम को सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ. मतलब एक तरह से ये दिखाना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, क्योंकि इसके सारे मेंबर क्लोज सेट ही तो हैं. सेकंड है यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ.
तो इसमें क्या दिखाना है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यूनियन करेंगे फाइनाइट सेट्स का, क्लोज्ड का तो क्लोज्ड आएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे क्लोज सेट्स का आर्बिट्रेरी, तो वो क्लोज्ड ही आएगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो सी वन के लिए हम एक फैमिली लेके चलते हैं, लेट एफ लैम्डा लैम्डा बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव, हमें दिखाना है इंटरसेक्शन, दिखाना है आर्बिट्रेरी वाले का इंटरसेक्शन, लैम्डा एफ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फैमिली, ठीक है। और इसमें वही जाएंगे जो क्लोज्ड हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो, एफ लैम्डा लैम्डा इज क्लोज सेट्स फॉर ऑल लैम्डा, क्लियर भाई, ये सेट क्लोज्ड है। अभी हमने पीछे रिजल्ट प्रूव किया, ये क्लोज्ड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन फॉर ऑल लैम्डा, ठीक है। अब ये ओपन है तो मतलब टोपोलॉजी का मेंबर है, टोपोलॉजी का मेंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी टोपोलॉजी की, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। अगर हम इन सभी एफ लैम्डाज का यूनियन ले लें, यूनियन लैम्डा एक्स माइनस एफ लैम्डा, तो भी किस में जाएगा, टोपोलॉजी में जाएगा, तो यूनियन अंदर जाएगा, तो बाय डी मॉर्गन्स ला इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन लैम्डा एफ लैम्डा बिलोंग्स टू टी, इसका मतलब दिस इज एन ओपन सेट, भाई टोपोलॉजी का मेंबर है तो ओपन सेट हो गया ना। अब ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, दिस इज क्लोज्ड सेट्स या क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स लिख सकते हो, लेकिन ये सारे सभी क्लोज सेट्स किसके मेंबर हैं, इसके मेंबर हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन लैम्डा एफ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फैमिली। सिमिलरली फाइनाइट वाले का हो जाएगा, वो क्या करोगे, ऐसे मानोगे एफ आई आई इक्वल टू वन टू एन बी एनी फाइनाइट मेंबर्स ऑफ एफ, ठीक है। अब फिर से ये सारे के सारे क्या हैं, एफ आईज आर क्लोज्ड फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन वन टू एन, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन आई लाइज बिटवीन वन टू एन, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी टोपोलॉजी का, टोपोलॉजी की सेकेंड प्रॉपर्टी थी, यानी इसको टी का मेंबर लिख लेते हैं, कि इंटरसेक्शन फाइनाइट मेंबर्स के, टोपोलॉजी के फाइनाइट मेंबर का इंटरसेक्शन करेंगे तो टोपोलॉजी के ही मेंबर आएंगे, यानी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स माइनस एफ आई बिलोंग्स टू टी, ये टी है। अब इंटरसेक्शन अंदर जाएगा तो बाय डी मॉर्गन ला यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई बिलोंग्स टू टी। अब ये ओपन है, टोपोलॉजी का मेंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ये क्या हो जाएगा, क्लोज, तो ये किस में चला जाएगा, एफ में, ठीक है। तो फाइनाइट यूनियन, यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ, या यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये सी वन एग्जाम का प्रूफ और सी टू का, बिल्कुल ईजी सा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कैरेक्टराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।